हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट एग्लोनीमा के बारे में बात करने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एग्लोनीमा के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। इसका सनलाइट रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइज़र कैसे इसको देना है, इसका सॉइल मिक्सचर कैसे बनाना है, इसका फुल केयर कैसे करना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने जो सॉइल मिक्सचर तैयार करके एग्लोनीमा को रिपोर्ट किए थे, उस सॉइल मिक्सचर में मेरा प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, उसका अपडेट भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, आप भी अगर अपने एग्लोनीमा को बेहद ही खूबसूरत और हेल्दी बना के रखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं हूँ जयश्री और वेलकम टू माई चैनल जो इज़ वर्ल्ड। तो फ्रेंड, एग्लोनीमा एक बेहद ही खूबसूरत कलरफुल इंडोर प्लांट्स है जो कहीं सारे रंगों में आता है, ग्रीन, पिंक, रेड और कहीं सारा ढेरों सारा वैरायटी है इसका। इस प्लांट की खूबसूरती किसी फ्लावर से कम नहीं है। हालांकि फ्लावर इसमें भी आता है, लेकिन एग्लोनीमा को हम लोग फ्लावर के लिए नहीं, फॉलियर के वजह से हम लोग इंडोर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका फ्लावर उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता नहीं है। एक इजी टू केयर प्लांट है जिसे हम लोग बहुत ही आसानी से इंडोर रख सकते हैं। इसे ज़्यादा सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे बस थोड़ा ब्राइट लाइट मिल जाए उसी में ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। अगर आप इसे तेज़ धूप में रख देंगे तो इसका लीव्स बर्न होना शुरू करेगा, लीव्स का कलर भी धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। तो अब इस प्लांट को उसी जगह पर रखिए जहाँ पर ब्राइट सनलाइट आता हो, इसमें ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसका जो ग्रीन वाला वैरायटी है उसे आप थोड़ा सा कम लाइट में भी रख सकते हैं, उसमें भी ये अच्छी तरीके से चल जाता है। लेकिन ये सारा जो पिंक, रेड, वेरीगेटेड वाला जो सारा एग्लोनीमा होता है, उन सबको थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लाइट की ज़रूरत होता है, उससे इसका जो पत्तियों का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा निखर के आता है। अब बात करते हैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की। तो फ्रेंड, इस प्लांट को बहुत ही सोच समझ के ध्यान से इसमें पानी डालना पड़ता है, क्योंकि आपका पानी थोड़ा भी कम ज़्यादा हो गया तो आपका प्लांट तुरंत ही ख़राब हो सकता है। अगर आप इसे ओवर वाटरिंग करेंगे तब भी इसका रूट गल के ख़राब हो सकता है प्लांट। अगर इसको आप अंडर वाटर भी रखेंगे तब भी ये प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है। इसे सॉइल में नमी बहुत पसंद है, तो इसके सॉइल को हमेशा नमी बना के रखिए, लेकिन इसे सौगी मत होने दीजिए। और आप इसमें वाटरिंग तभी कीजिए जब आपको दिखे कि ऊपर का 1 से 1.5 इंच सॉइल इसका ड्राई हो चुका है, उसी वक्त आप इसमें वाटरिंग कीजिए। ये देखिए, मेरा सॉइल है अभी भी, इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो इस वक्त मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। तो वाटरिंग करने से पहले आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से इस प्लांट के लिए ध्यान रखना है। आप बात करते हैं सॉइल रिक्वायरमेंट का। अभी मैंने जैसा आपको बताया, इस प्लांट को मॉइस्चर तो पसंद है लेकिन इसको सॉगी रहना नहीं पसंद है। तो आपको भी सॉइल उसी हिसाब से बनाना है जिसमें थोड़ा मॉइस्चर तो होल्ड करके रखे लेकिन प्लांट को सॉगी ना बनाए, ताकि इसमें आप पानी डालें और पानी निकल जाए, ऐसे पोरस वेल ड्रेन सॉइल आपको इसके लिए बनाना है। इसके सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए 30% कोकोपीट, 30% सैंड, 20% गार्डन सॉइल एंड 20% भार्मी कॉम्पोस्ट। कोकोपीट एंड सैंड मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिए हैं, क्योंकि कोकोपीट थोड़ा मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है और सैंड जो एक्सेस वाटर है उसको तुरंत ही ड्रेन आउट कर देता है। इस सॉइल मिक्सर में एग्लोनीमा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसका सॉइल मिक्सर कैसे बनाना है, इसका एक डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो उधर से देख सकते हैं। इसका सॉइल आप ऐसे बनाइए जो बहुत ही ज़्यादा पोरस एंड वेल ड्रेन हो, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर भी रिटेन करके रखे एंड एक्सेस वाटर को तुरंत ही ड्रेन आउट कर दे। और फ्रेंड, एक ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, तो टाइम टू टाइम इसके ऊपर मिस्टिंग करते रहिए। जो लोग थोड़ा ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं वो दिन में 2 से 3 बार अगर आप मिस्टिंग करेंगे तो प्लांट बहुत ही हेल्दी होगा। अगर इस प्लांट को आप इंडोर रख रहे हैं तो एक स्प्रे बोतल हमेशा हैंडी रखिए, आते जाते इसके ऊपर मिस्टिंग करते रहिएगा, तो आपका ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा।
और फ्रेंड क्योंकि ये एक ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, हम लोग लगातार इसके ऊपर मिस्टिंग करते रहते हैं, तो इसके वजह से इसमें थोड़ा सा पेस्ट अटैक हो जाता है, जैसे कि मिलीबाग, स्नेल, स्लग वगैरह लग जाता है। लेकिन महीने में एक बार आप अगर नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम से आप बहुत ही इजीली छुटकारा पा सकते हैं। अब आते हैं फर्टिलाइज़र पे। फ्रेंड ये प्लांट हेवी फीडर है नहीं, तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। साल में बस अगर आप 3 बार इसे फर्टिलाइज करेंगे उतना ही इसके लिए काफ़ी है, एक तो फेब्रुअरी मार्च में, दूसरा जून जुलाई में, और थर्ड टाइम अगर सितंबर अक्टूबर में आप इसको फर्टिलाइज कर देते हैं तो इसके लिए इनफ है। इसके बीच में एक आधा बार आप चाहे तो इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ना भी करें तो आपका प्लांट इसी में बहुत खुश रहेगा, नाराज़ नहीं होंगे, प्लांट खूब बढ़ेगा। अब आते हैं कौन सा फर्टिलाइज़र आप इसमें यूज़ करेंगे। मैं अपने इस एग्लोनिमा के प्लांट में केमिकल फर्टिलाइज़र कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं मेरे इस प्लांट में हमेशा वर्मी कंपोस्ट, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है एग्लोनिमा के लिए, या तो फिर सीवीड फर्टिलाइज़र। मैं एग्लोनिमा के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ, और मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूँगी कि एग्लोनिमा के ऊपर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मत कीजिए। अब आते हैं प्रोपगेशन पे। इसका प्रोपगेशन भी बहुत ही ईजी होता है। ये देखिए मेरे इस प्लांट पे कितना सारा पप्स निकला है, बेबी प्लांट निकला हुआ है। इस प्लांट को आप निकाल के अगर अलग अलग पॉट में लगा देंगे तो वहाँ से भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इस प्लांट को इधर से नहीं निकालूंगी, क्योंकि ये जितने सारा बेबीज थोड़ा बड़ा होगा, मेरा प्लांट और ज़्यादा बुशी और घना होगा, तो ये दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आपके भी प्लांट से अगर ऐसे बेबी निकल रहा है, पप्स निकल रहा है, तो उसे जल्दी से ट्रांसप्लांट करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। दूसरा आते हैं स्टेम कटिंग। इस स्टेम को जैसे आप देख रहे हैं, प्लांट का स्टेम है, इस स्टेम को 3-4 इंच का अगर लंबा बड़ा स्टेम आपको मिल जाए तो उसको अगर आप काट के सॉयल में डाल देंगे तो वहाँ से भी ये बहुत ही इजीली ग्रो कर जाता है। तो स्टेम कटिंग से भी आप इसको प्रोपागेट कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, मैंने भी एक छोटा सा स्टेम काट करके लगा के रखे हैं, ये देखिए मैंने भी एक छोटा सा स्टेम कट करके लगा के रखे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक मुझे इसमें कुछ भी ग्रोथ नज़र नहीं आया है। लेकिन इस स्टेम कटिंग से भी बहुत ही इजीली प्रोपागेट आप इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब चलिए मैंने जो पिछले बार 2 एग्लोनिमा को रिपोर्ट किए थे उसका क्या कंडीशन है आप सबको दिखा देती हूँ। ये देखिए आप सब देख ही पा रहे हैं एक कितना खुश है अपने सॉइल में और कितना हेल्दी है। ये देखिए नए नए लीव्स भी आना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही अच्छा ये लोग, मतलब मैंने इसमें जो सॉइल मिक्सर बना के प्लांट को डाले हैं इसमें बहुत ही अच्छा ये ग्रो कर रहा है। तो आप भी अगर इसी सेम सॉइल मिक्सर में प्लांट को डालेंगे तो मेरा दावा है आपका प्लांट भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, जैसे मेरे प्लांट ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड मेरा आज का वीडियो यहीं तक ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।